तो आपका बोलना आज फिर आके बोलना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सर मैं तो यहाँ पे मनाली में हूँ, नहीं तो मुंबई में होती तो कब की इन लोगों ने मुझे लटका दिया होता पंखे से, जब इन्होंने इतने इतनी घनिष्ठ कोशिशें की थी, जब मैंने इनके पहली बार राज खोले थे इन्होंने इतनी कोशिश की कि ये मुझे जेल में डाले या मरवा डाले, तब तो ना मैं सुशांत के लिए आज खड़ी हो पा रही हूँ। अगर मैंने उस टाइम आवाज नहीं उठाई होती तो आज तो कोई शायद इतना कुछ बताने का मौका, मैं तो कितने सालों से बताती आ रही हूँ। और कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहती हूँ, क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी, क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी, बताओ मुझे क्या इस देश में जब मैंने आपको बता दिया है कि इट इज, ये मैंने मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कहा था कि फॉर मी इट इज डू और डाई, मैं क्यों मरूं, मैं मार के निकलूंगी, मैं मरूंगी नहीं, तो कौन है वो लोग जो मुझे कहते हैं कि तुम अपनी दुश्मनी, अगर मैं अपने दुश्मनों को खत्म ना करूं तो वो मुझे खत्म कर देंगे, मैं तो अपने दुश्मनों को खत्म करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि सुशांत केस में कंगना क्यों जंप करिए, मैं क्यों ना जंप करूं, जब मुझे ये लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ड्रग किया गया था, मुझे पागल घोषित किया गया है, तो मैं क्यों ना इसमें आऊं। तो जो भी लोग ये कह रहे हैं मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कीप योर माउथ शट, यू कैन नॉट स्टॉप मी, यू कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम फाइटिंग फॉर माई फंडामेंटल।